बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। धन्यवाद। जो सब पर इल्जाम लगाते रहते हैं, आपने उन पर इल्जाम लगाया है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जासूसी करवा रहे हैं, आपने उनके खिलाफ और उनके विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। किन आधार पे की है, क्या सोच कर की है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी और जो उनके मंत्री हैं, जी उन लोगों की आदत है पत्थर मारे और मार जाए। जी लेकिन पिछले एक महीने से अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो जी हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ रही है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने आरोप लगाए महेश गिरी जी पर, सांसद पर, जी जी और कहा कि वो एक खून में आरोपी है, महेश गिरी जी ने जो पलटवार किया और उन्होंने कहा कि आप सबूत दीजिए, जी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, बिल्कुल, वो उन्होंने धरना और भी दिया। अगर आप दोषी हुए, अगर आपने गलत आरोप लगाए हैं तो आपको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। जी देखिए केजरीवाल जी कैसे दुम दबा के भागते हुए नजर आए एक चूहे की तरह। तो बिल्कुल जिस बात की केजरीवाल जी बात करते थे, डिबेट करनी है दुनिया से, जब वो कहते हैं कि आइए मीडिया के सामने, जनता के सामने सबूत दिखाइए, जी तो केजरीवाल जी दुम दबा के भागते हैं। उनके घर के सामने वो 3 दिन जाके बैठते, तब वो दुम दबा के भागते हैं। जी उनकी हिम्मत नहीं होती 3 दिन घर से बाहर निकले, 3 दिन घर के अंदर बंद रहते हैं। फिर एक और नया आरोप लगा दिया। जी अभी कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, मतलब बेफालतू में, कि जी प्रधानमंत्री जी ने देखो ट्वीट किया है, वो मैसेज किया है एलजी को, जी और एलजी ने मैसेज किया है मीना जी को, जो पुलिस के जॉइंट कमिश्नर है और एसीबी की चीफ है, कि जी जी कपिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। भैया, अगर प्रधानमंत्री ने एलजी को मैसेज किया है या फोन किया है तो आपको कैसे जानकारी आई? या तो जी प्रधानमंत्री जी ने बताया होगा या एलजी ने बताया होगा। प्रधानमंत्री जी और एलजी का मैसेज दूसरा आदमी तो पढ़ता नहीं होगा, या कोई कॉल बीच में सुनता नहीं होगा। जी तो इसका मतलब तो यह है, ये तो यहाँ तो आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे इसकी नहीं जानकारी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन वो एक मंत्री है, मुझे उनका विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता तो ने या तो चुना वो है। झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहे, उनकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, जी तो इसका मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री जी की जो पीएमओ की कॉल है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, जी ये उन्हीं की ट्वीट के आधार पर मैं कह रहा हूं। जी जो उन्होंने ट्वीट किया है नया आरोप उसको लगाने वाला कुछ नहीं होता, जो कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट की है उसी ट्वीट के आधार पर ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीक कर रहा है। तो अगर ये बात अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय से लीक हो रही है तो ये सही में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री के कार्यालय से देश विदेश और कई ऐसे मामले हैं जो सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं, देश की सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं, वो तय होते हैं। कई विदेश नीति तय होती है, कई देश राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें तय होती है। तो अगर प्रधानमंत्री के ऑफिस की बात लीक हो रही है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने यही मांग की है कि अगर वो टेप करा रहे हैं या कोई भी उनको जानकारी दे रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी जांच की जाए कि ये कौन कर रहा है। जी कपिल मिश्रा का इस पर कोई बयान कुछ बोला उन्होंने अपने ट्वीट पर? वैसे मैं उनकी ट्वीट देखता हूँ, केजरीवाल साहब तो आजकल जो है मतलब मालाएं जप रहे हैं 1.5-2 साल से, लेकिन कपिल मिश्रा जो है वो बिल्कुल गिरे हुए स्तर की ट्वीट उनकी मैंने देखी है कई, और ये ट्वीट भी जरूर हमने देखी है जिसपे आपने जिक्र किया है और जो शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, क्या कपिल ऐसा है मिश्रा कि का कोई इस पर रिप्लाई? इनके इनका मंत्रिमंडल और ये जानते हैं, और मोदी 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 जपना चालू कर देते हैं। जी अगर इतनी बार इन्होंने भगवान का नाम जपा होता तो शायद इनको मोक्ष मिल गया होता। जी तो खैर, एनीवेज, हमारा तो ठीक है, चल रहा है उनका, चलने दो, उनको पब्लिसिटी मिलती है, उनकी दुकान चलती है, हमारा क्या जाता है जी। जी एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने एक आर्टिकल आज देखा था, और उसमें मैंने ये भी देखा था कि अगर अरविंद केजरीवाल मोदी को गाली देते हैं या बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार हो जाता है तो केजरीवाल का जो चंदा है वो बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक उसी दिन चंदा ज्यादा आता है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है पैसा कमाने की भी, जिस तरीके से वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग, वही मैं कह रहा हूं कि मैं कोई इल्जाम लगाने वाला नहीं हूं, मैं केजरीवाल नहीं हूं जो इल्जाम लगा दूं, लेकिन जिस तरीके से उनका चंदा बढ़ता है तो ये एक ट्रिक है अच्छी खासी जिसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है। इस पे ऐसा है कि आगे जिस का देश में पिछले जी कई सालों से मोदी जी के विरोध के नाम पे कई दुकानें चल रही हैं,
वो दुकानें इनको पैसा देती होंगी, जी नहीं जानकारी कितना सच है कितना नहीं सच है, हम्म, लेकिन लोगों ने देखा है कुछ लोगों के एनजीओ एक्सपोज हुए हैं, ये आरोप मौजूद है, मतलब ये आरोप नहीं, ये चीजें साबित हो चुकी है कि किस तरीके से कुछ एनजीओ ने अपनी दुकानें चलाई मोदी विरोध के नाम पे, जी चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो अपना नर्मदा बांध परियोजना का विरोध हो। अब जी नर्मदा बांध परियोजना का विरोध थोड़ी था, जी वो विरोध था मोदी की विकास की स्कीम का विरोध करना, ताकि मोदी को फेल करना चाहते थे वो लोग। आज जी भी वो लोग मोदी जी को फेल करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जी ठीक है, उनको उनका काम करने दो। 14 साल में मोदी को विरोध करके उसको नहीं चुका सके, अब उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर पाए। जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा जी की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला हो या फिर ये नहीं, चीज उन्होंने हुई? कहा है कि देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, क्या लगता है, उन्होंने कहा कि एक बार चेक करेंगे फिर वो बता पाएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। चलिए जी, देखते हैं अब क्या कार्रवाई होती है और क्या इसका फर्क पड़ता है या फिर उल्टा जो है और गालियां मिलती हैं ट्विटर के थ्रू, ट्विटर मंत्री, माफ कीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।